इतने सुंदर सुंदर गणपति जी का मूर्ति है यार, ये देखो पूरा का पूरा इतना सुंदर लगने आ रहा है ना, कितना बढ़िया सा जो शेर का मुंह है ना उस पर कितना सारा डिटेलिंग है भाई। देखो जी वैसे बाहर से निकल के आ रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है देखने में। और ये पूरा शेर है अभी इन पे कलर नहीं हुआ है, बाकी गणपति जी पे पूरा कलर हो चुका है। ये साइड आप जो देख रहे हैं ना, ये हमारे गणपति जी है, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत ज्यादा प्यारे मूर्ति है ना। ये अपना 20 फीट का मूर्ति होने वाला है। इस साइड देख पा रहे होंगे बड़े बड़े जो गणपति जी के मूर्ति है ना, वो सभी इस साइड में रखे हुए हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रायपुरियन शिविश चैनल, मैं शिवानी साहू आज आपको लेके आई हूँ माना के दिशा मूर्ति कला केंद्र में, जहाँ की गणपति जी का ना इतना बड़ा बड़ा मूर्ति बन रहा है। अभी मुझे पता नहीं है कि एक्चुअल हाइट इनका क्या है, अभी अपन आपको बताएंगे वीडियो में। और देख सकते हैं इतने बड़े बड़े है ना, मैं इतना छोटी लग रही हूँ, 5 साल की हूँ मैं, लेकिन इतना बड़ा बड़ा तो यहाँ का मूर्ति है देखिए एकदम ज्यादा। और एक एक डिटेलिंग है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी एकदम से इनको व्हाइट बस पेंट किया गया, अभी ज्यादा कुछ तो हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दिखाने का ट्राई करती हूँ। दोस्तों अपन ऐसे बाहर से स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेन रोड है ये, और यहाँ पे ऐसे पूरे पंडाल लगा के अंदर पे हमारे गणपति जी का मूर्ति पूरा बन रहा है। इस साइड आप देख पा रहे होंगे ये मशीन चल रहा है, और ये वाली जो मूर्ति है ना जो ढक के रख दी गई है, ये पूरा का पूरा बन चुका है अभी। इस साइड पूरा कलर वाले मूर्ति है, मतलब जितने भी है ना मूर्ति वो सभी कलर हो चुका है, अभी कलरिंग इस साइड चल रहा है। तो चलिए पहले आपको इस साइड दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितने सुंदर सुंदर गणपति जी का मूर्ति है यार, ये देखो पूरा का पूरा इतना सुंदर लगने आ रहा है ना। धीरे धीरे करके आपको एक एक डिटेलिंग दिखाती हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर सा वो रिद्धि सिद्धि माता जो होती है ना वो है, इस साइड रिद्धि माता, इधर इस साइड सिद्धि माता, ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे गणपति जी का ऐसे पूरा वस्त्र कलर हो चुका है, लेकिन बहुत सारा डिटेलिंग अभी बचा हुआ है। ये देख पा रहे होंगे आप कितना बेहतरीन सा इनका आंख लग रहा है। इस साइड देखिए उनका जो मुकुट है वो इस साइड आप देख पा रहे होंगे इतना बेहतरीन सा डिटेलिंग। ये देखिए पूरा इनका जो ये आभूषण है ना ये भी काफी अच्छा लग रहा है। इनका सूंड वगैरह भी बन चुका है, ये देख पा रहे होंगे हाथ, और हाथ में ऐसे पकड़े हुए हैं कुछ औजार टाइप का, बहुत प्यारा लग रहा है। बैकग्राउंड भी आप देखेंगे ना बहुत ज्यादा सुंदर, इस साइड क्या बोलते हैं शेष नाग बनाया गया है, बहुत प्यारा लग रहा है भाई, बहुत ज्यादा। इधर देखिए ये वाला जो है ना कितना बढ़िया सा जो शेर का मुंह है ना उस पर कितना सारा डिटेलिंग है भाई। देखो जी वैसे बाहर से निकल के आ रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है देखने में। और ये पूरा शेर है अभी इन पे कलर नहीं हुआ है, बाकी गणपति जी पे पूरा कलर हो चुका है। ये देखिए ऊपर में भी माता है, और ये देख पा रहे होंगे कितना प्यारा सा लग रहा है हमारे गणपति बप्पा, एकदम पेट ना गोलू मोलू सा पेट बनाया जाता है, बहुत सुंदर सा। और इस साइड आप देख पा रहे होंगे ये वाले जो गणपति जी है ये पूरा राम भगवान के थीम पे बन रहा है, ऐसा लग रहा है। ये देखिए बैक का जो ये है ना इनका स्ट्रक्चर, ये देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि राम भगवान बना रहे हैं। बाकी इस साइड देख पा रहे होंगे ये है हाथी, और हाथी का सूंड निकल रहा है। इस साइड आप जो देख रहे हैं ना, ये हमारे गणपति जी हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा प्यारे। एक एक डिटेलिंग का अगर बात करूँ तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये इस साइड देख पा रहे होंगे ये पूरा उनका आभूषण है, इस साइड पूरा उनका धोती बना है, पैर देख पा रहे होंगे रंगारंग मस्त हो चुका है। इस साइड देख पा रहे होंगे ये अभी इनको बाद में बनाया जाता है, तो ये अभी अभी बनाया है ऐसा बोल सकते हैं। बाकी इस साइड आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर सुंदर है भाई, मैं क्या क्या एक्सप्लेन करूं लग रहा है मुझे खुद। उधर देखिए एकदम मस्त से जो उल्लू होता है ना, या पता नहीं भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, उल्लू जैसा तो दिख रहा है जो अपने विष्णु जी के उसमें लक्ष्मी जी का जो सवारी होता है, वो गरुड़ है शायद, ये गरुड़ या फिर उल्लू ऐसा बोल सकते हैं, अभी मैं कन्फर्म नहीं उस पर। और ये देख पा रहे होंगे कितना प्यारा लग रहा है। इस साइड हमारे गणपति जी हैं, बहुत सुंदर इनका कान देखिए, गणपति जी का जो हाथी वाला कान होता है ना वैसा ही, और उसमें फ्लावर बना दिया गया है, बहुत प्यारा लग रहा है भाई, बहुत ज्यादा प्यारा। ये देखिए इनका जो ये है ना नाग सांप है, वो ऐसे निकल के पूरे ऐसे नीचे तक से ऐसे जा रहे हैं, उन्हीं पे पैर रखा हुआ है थोड़ा सा, और ये हाथ भी ना इन पे टेकने वाला है ऐसा है, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है ये भी। और इस साइड आप देख पा रहे हो कलरिंग का काम कुछ इस तरीके का होता है, ये पूरा कलर है और डिस्पोजल में पूरा कलर निकाल के रखे है, ऐसे ही पूरा कलरिंग का काम होते रहता है यहाँ पे। ये देख पा रहे होंगे ये मशीन है उनका, इस साइड से स्प्रे बोल सकते हैं, स्प्रे होता है इसमें, और इसको ट्रिगर करके ऐसे लगाते हैं पूरा। इस साइड आप देख पा रहे होंगे कितना ज्यादा सुंदर सुंदर जो हमारे गणपति जी है ना उनका मूर्ति लग रहा है, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है भाई।
इधर देखिए, बहुत ही मतलब एक से बेहतरीन एक यहाँ पे आपको गणपति बप्पा की मूर्ति मिलने वाली है और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अभी जब इनको पंडाल में विराजमान कराया जाएगा ना, तब इनका जो लुक है वो और ज़्यादा अच्छा आएगा, ऐसा बोल सकते हैं। वहाँ पे ऊपर देख पा रहे होंगे, नीचे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे शेर बनाया गया है। शेर में भी ऐसे ही सेम टू सेम डिटेलिंग है, बहुत प्यारा ही बनाया दोस्तों। ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें पूरे शिव भगवान है, पीछे में ऐसे कंकाल मूर्तियाँ जो सिर होता है ना वो है, और पीछे उसके पीछे में यहाँ पे सांप बनाया गया है, बहुत सुंदर। ये देखिए शिव का जो प्रतिमा होता है ना, वैसे ही पूरा इसको बनाया गया है। ये देख पा रहे होंगे अभी कलरिंग तो हो चुका है, इसीलिए थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इधर देख पा रहे होंगे हमारे शिव जी के जो नंदी सवारी होते हैं ना, वो बनाया गया है यहाँ पे, बहुत प्यारा लग रहा है। उनका जो वस्त्र होता है ना शिव जी का, ऐसे ही एकदम बढ़िया सा डिटेलिंग दिया है। देखिए ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, रियल लगने वाला है, ऐसा टाइप का है। इधर आप देख पा रहे होंगे गणपति जी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इनका पगड़ी वगड़ी देखिए, पीछे में जो वासुकी नाग बनाया वो देखिए, बहुत ज़्यादा सुंदर यार, बहुत ज़्यादा। मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, क्या ही मैं बोलूँ इसके बारे में ऐसा। और जितने भी गणपति जी की ये सवारी है ना, ये चूहा, तो ये सभी को अभी बनाया गया है। जैसे वो देख पा रहे होंगे सब में अभी अभी बनाया गया है ये सभी। बाकी पूरा गणपति जी को पूरा परफेक्ट रेडी कर लिया जाता है, उसके बाद लास्ट में वाला काम किया जाता है। इस साइड आप देख पा रहे होंगे, मतलब मूर्तिकार के तो हाथों में ऐसा जादू है भाई, बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत ही प्यारा बनाने का जो ये हुनर है ना, वो हम लोगों जैसे नॉर्मल लोगों जैसे मैं तो आ ही नहीं सकता ऐसे है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये पूरा हंस है, बहुत ज्यादा सुंदर बना है ये। अगर मैं डिटेलिंग की बात करूं तो देखिए कितना ज्यादा रियलिस्टिक होने वाला है। अभी तो सिर्फ इसमें व्हाइट कलर का पेंट हुआ है, ये सभी को अभी थोड़ा सा और एकदम फिनिशिंग देंगे, बहुत प्यारा लगने वाला है उसके बाद में। इस साइड आप देख पा रहे होंगे कितनी सुंदर सी मैया बनी है, और मैया के एक्चुअल वाला जो मतलब फेक हेयर आता है ना, वो बाद में लगाने वाले हैं इस पे, और कलरिंग वगैरह अभी इस वाले मूर्ति में तो हुआ नहीं है, ऊपर में हो चुका है। ये आप देख पा रहे होंगे इस साइड ऐसे पेयर पेयर में बनाया गया है, ये देख सकते हैं। बाकी ये पूरा मूर्ति दोस्तों, पूरा कलरिंग का काम हो चुका है इसमें। इधर देख पा रहे होंगे आप, बहुत ही सुंदर है भाई, मैं क्या बताऊँ। इसमें देखिए हाथ कितना बढ़िया सा शाइन कर रहा है, ऐसा लग रहा है रियल में वो शाइन कर रहा है लाइट में ऐसा करके। इस साइड आप देख पा रहे होंगे गणपति जी का पिंक ये जो कलर किया गया ना, उससे ऐसा लग रहा है कि इधर से पिंक लाइट पड़ रहा है, ऐसा टाइप का बहुत सुंदर बनाया गया है भाई। ये देखिए एकदम गोलू मोलू हमारे जो क्या बोलते हैं गणेश भगवान जी रहते हैं ना, वैसा ही लग रहा है पूरा सेम टू सेम देखने में। इस साइड आप देख पा रहे होंगे कितने प्यारे लग रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा अभी क्या है इसी में। अच्छा ये देख पा रहे होंगे पूरा ये जो दानव होते हैं ना, वैसा ही पूरा बनाया गया है इस साइड में, और इस साइड में हमारे गणपति जी है। बैक की बात करूं तो कुछ इस तरीके का बनाया गया, बहुत सुंदर लग रहा है वो भी, और पूरा कलरिंग तो मस्त किया गया है। साथ ही साथ मतलब ऐसा लग रहा है अब गणपति जी का बस ना, अब उनको बैठने का बस इंतजार है कि कब हमारे गणपति जी हमारे पंडाल में विराजमान हो ऐसा करके। कि ये जो दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर सा यहाँ पे होने वाला है। एक एक डिटेलिंग का अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये देखिए एकदम जो धोती होता है ना, उसको भी देख सकते हैं आप, एकदम शाइन कर रहा है, एकदम रियल में शाइन कर रहा है, ऐसा लगता है लाइट वाइट पड़ रहा है तो शाइन कर रहा है ऐसा करके। एकदम रियलिस्टिक लुक देने के लिए मूर्तिकार लोग बहुत ज़्यादा बेहतरीन सा पेंट करते हैं। ये देख पा रहे होंगे आप ऊपर में हनुमान जी रहेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। इस साइड आप देख पा रहे हो थोड़ा सा और आगे आएंगे तो ये देखिए कितना बेहतरीन सा विराजमान, एकदम टशन से बैठे हैं हमारे गणपति बप्पा। और पीछे आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड है, अभी इस पर कलरिंग नहीं हुआ है। बाकी इस साइड आप देख पा रहे होंगे जो, अच्छा ये उनके मूषक हैं ऐसा लग रहा है मुझे। ये देखिए कितना बेहतरीन से पोज में है मूषक राजा, और ये हमारे गणपति राजा। और इस साइड जैसे ही जाते हैं तो ये देखिए एकदम बॉडी बिल्डर जो हमारे गणपति जी है ना, उनको बना दिया गया है ये देखिए। और आजू बाजू में ना ऐसे अंधे पे बहुत ही सुंदर सा बैठे हैं ऐसा लग रहा है। और इस साइड आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर सा ये पूरा का पूरा हनुमान जी जैसे लग रहे हैं पूरे हमारे गणपति जी। बाकी इस साइड जाते हैं तो ये पूरा राम के थीम पे बने हैं, राम जी का जो मंदिर अभी बना है ना, वो ऐसा ही पूरा थीम पे बना ऐसा लग रहा है देखने पे। अभी तो प्रॉपर कलरिंग का काम नहीं हुआ है। इस साइड आप देख पा रहे होंगे इनका जो जट्टा वट्टा होता है वो सभी एकदम सेम टू सेम ऐसा ही बना है। बाकी दोस्तों इस साइड का तो मैं आपको पूरा मूर्ति एक्सप्लोर कर दी हूँ। साइड से निकलते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ से एक और रास्ता दिया गया है। इधर देख पा रहे होंगे आप ये पूरा ये पाल पट्टी रखा हुआ है, और समझ नहीं आएगा आपको इधर भी मूर्ति है, लेकिन देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे मूर्ति है भाई, एकदम एक से बेहतरीन एक होने वाले। ये देखिए एकदम राजा टाइप का इनका पोशाक है, एकदम बढ़िया लग रहे हैं। इसे देख पा रहे होंगे आप मूषक जी हैं जो बहुत ज़्यादा सुंदर बने हैं। मूषक है या शेर है मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है नीचे से। बाकी ये देख पा रहे होंगे कलरिंग इतना परफेक्ट है ना, इतना सुंदर है कलरिंग भाई, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। नांग साहब देखिए अभी कलरिंग उसमें हुआ नहीं है, बाकी कलर करके इतना रंग बिरंगा सा यहाँ
पे लुक आ रहा है बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये देखिए पूरा कलर करके ना इतना बेहतरीन सा एकदम सतरंगी कलर जो होता है ना वैसा लग रहा है मुझे यहाँ से देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर से। ये मूर्तियाँ दोस्तों थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, मतलब उस साइड जो अपन देख के आए थे ना उससे थोड़ी सी छोटी है, बाकी बहुत सारे एकदम बैक टू बैक ऐसे मूर्तियाँ रखी गई है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये देखिए हमारे शिव जी के भेष में पूरे बनाए गए, इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेलिंग हो चुका है, ये देख पा रहे होंगे आप, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये देखने में। इधर देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये भी, इस साइड देखिए ये एक से बढ़ के एक हमारे गणपति जी है। बस ऐसे जो अपने गणपति जी है ना वो एक एक पंडाल में भी जाना बचा है, बाकी जब एक एक पंडाल में विराजमान हो जाएंगे ना सभी गणपति जी तब देखिएगा इनका जो नूर है इनका जो रौनक है ना वो इतना चमक के आता है बहुत ज़्यादा सुंदर। तो अभी से लग रहा है ये देखिए कितने बेहतरीन से हमारे शिव जी के भेष में ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए एकदम कलरिंग बहुत ज़्यादा सुंदर हो चुका है। इस साइड आप देख पा रहे होंगे अभी मैं इधर से तो आ गई, अभी इस साइड आपको दिखाती हूँ। ये पूरा जो मूर्ति है ना देखिए मतलब मटका बहुत सुंदर प्यारा सा लगाया गया, पूरा का पूरा मटका होने वाला है ऐसे। और देखिए कृष्णा जी एकदम मतलब ना गणपति जी ना एकदम कृष्णा जी के जो भेष होता है वैसे ही पूरा लगा के रखे हैं यहाँ पे, बहुत प्यारा लग रहा है। सही ढंग से ये देख पा रहे होंगे बढ़िया पगड़ी वगड़ी एकदम मज़ा आ रहा है देखने में भाई। अभी जब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है काम तब ऐसा लग रहा है, तो सोचिए जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा स्टोन वगैरह वर्क हो जाएगा तो कितना प्यारा लगेगा ये देख पा रहे होंगे आप कितने अच्छे लग रहे हैं। इनका पूरा अभी सांचा से जो बेसिक काम है ना वो सभी हो चुका है, ये देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। इस साइड देख पा रहे होंगे कितने सारे गणपति जी हैं, सभी ऐसे ऑर्डर में बनाए जाते हैं यहाँ पे गणपति जी। बस इस साइड देख पा रहे होंगे आप ये हमारे शिव जी के बेस में बने हैं, ये भी अभी कलरिंग नहीं हुआ है इसमें पूरा शिव जी बनाया गया बोल सकते हो, और ये हमारी पार्वती माता ऐसे बनाए गए हैं। इस साइड आप देख पा रहे होंगे जो इनके वस्त्र होते हैं ना कुछ इस तरीके का बेसिक है इनका पूरा एकदम रियलिस्टिक जो लुक लाने के लिए जो शेर का जो खाल पहनते हैं ना वैसा टाइप का बोल सकते हैं, बाघ बोल सकते हैं उसको। इस साइड आप देख पा रहे होंगे थोड़ा और आगे जाते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे गणपति बप्पा है। इस साइड देखिए ये जो हमारे नांग सांप है ना ये इनका कमरबंद ऐसा बना है ऐसा बोल सकते हैं, कितने एकदम रियल लग रहे हैं। देखिए इसको अभी बनाया गया है एकदम रियलिस्टिक लुक है, अभी भी गीला है दोस्तों ये, और बहुत ज़्यादा रियल लग रहा है भाई, एकदम सुंदर लग रहा है देखने में। इधर देख पा रहे होंगे कितना प्यारा लग रहा है पूरे मतलब गणपति जी का ना एक से बेहतरीन एक यहाँ पे पूरा कारीगरी हो चुका है। और सूट देखिए अभी बनाया गया, ये भी इसको भी बाद में पेंट कर दिया जाएगा। बाकी इस साइड तो पूरा बड़े बड़े मूर्ति हैं यहाँ पे वहाँ पे, बाकी आपको इस साइड दिखाती हूँ और अंदर में वो जो देख रहे हैं ना छोटे छोटे मूर्तियां हैं वहाँ पे वो भी जाके दिखाती हूँ। दोनों साइड से ऐसे आते हैं ना दोस्तों, इस साइड तो देखिए ऐसे कलरिंग हो रहा है, ये भैया ऐसे कलर कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं भैया एक बार इसको बताएंगे कि इसको क्या बोलते हैं? ये बॉडी कलर। अच्छा बॉडी कलर है, स्किन कलर बोलते हैं इसको, देख पा रहे होंगे ऐसे ही स्प्रे से पूरा स्प्रे किया जाता है पूरा इनका, और बहुत प्यारा सुंदर सा लग रहा है। इस साइड आप देख पा रहे होंगे कितने सारे गणेश जी ऐसे ही बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है भाई देख देख के। ऐसे जो इनका मुकुट है ना उनको पहले पहले से कलर कर दिया गया ऐसे है, बाकी बहुत सारे डिटेलिंग अगर मैं डिटेलिंग का बात करूँ बहुत बड़ा हो जाएगा अपना वीडियो। बाकी इस साइड आप देख पा रहे होंगे छोटे छोटे हमारे गणपति जी है ना वो पूरा इस साइड बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये भी देखने में। ये देख पा रहे होंगे शिवलिंग ऐसा टाइप का दिख रहा है, और इनका हाइट दोस्तों 3 फीट अराउंड होगा, 3 फीट से 4 फीट अराउंड ऐसा बोल सकते हैं। उस साइड देख पा रहे होंगे बहुत सारे ऐसे गणपति बप्पा रखे हुए हैं, इधर देख पा रहे होंगे। बाकी चलिए थोड़ा सा और आपको पास से दिखाती हूँ, जैसे ये हो गया चांद पे बैठे हमारे गणपति जी ऐसे, उस साइड देख पा रहे होंगे पेड़ बनाया गया बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, कृष्णा जी के रूप में उनको बनाया गया है। इस साइड जो देख रहे हैं बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है राजा महाराजा जैसे। इस साइड देख पा रहे होंगे जो ऐसे शिवलिंग होता है ना उस पर ऐसे बैठे हैं, इधर देख पा रहे होंगे पूरा मतलब ये भैया लोग बना रहे हैं यहीं पे मूर्ति। कितने सारे मूर्ति होंगे भैया यहाँ पे? हाँ हाँ होगा 35-40। 35-40 ठोक मतलब ये इसी का बात बता रहे हो क्या इतने का? अच्छा 35-40 ठोक मूर्ति यहीं पे होगा ऐसे करके बता रहे भैया। और चलते अपन थोड़ा सा और आगे, सभी में ऐसे नंबर लिखा रहता है ये देख पा रहे होंगे आप, नंबर से इनका पहचान लगता है कि किनका मूर्ति है क्या मूर्ति है ऐसे करके, तभी यहाँ पे पूरा रखा हुआ है। वो वाला जो अपन देख के आए ना अभी उससे थोड़ा सा ही बस दूरी पे है, ऐसे बोल सकते हैं कि 10 कदम या 20 कदम थोड़ा आगे आएंगे ना, तो ये वाला जो दो ठोक पंडाल दिख रहा है आपको ये वाला प्लस इस साइड का, तो ये दोनों दिशा मूर्ति कला केंद्र का ही है। और चलिए आइए आपको दिखाती हूँ एकदम ना जो 20 फीट का जो मूर्ति बोलते हैं अपन वो यहाँ पे है भाई, इतना 20 फीट का जो गणपति जी का मूर्ति है वो इस साइड से आपको थोड़ा सा देख के आना पड़ेगा। बाकी देखिए पूरा वर्किंग प्लेस है ये पूरा, चलिए आइए आपको अंदर से दिखाती हूँ।
देख पा रहे हो दोस्तों, ये अपना जो गणपति जी का मूर्ति है ना, ये अपना 20 फीट का मूर्ति होने वाला है। इस साइड देख पा रहे होंगे बड़े बड़े जो गणपति जी के मूर्ति है ना, वो सभी इस साइड में रखे हुए हैं। काफी सारे तो बहुत पहले से बन चुके होते हैं, काफी सारे अभी बनते हैं। ये देखिए इनका बहुत ही सुंदर सा ये इनका मुकुट है, बहुत प्यारा लग रहा है ये देख के। और इस साइड देखिए आप कितने ज्यादा है भाई, मतलब एक से बेहतरीन एक हमारे गणपति जी का मूर्ति बनाया गया है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इस साइड में दुर्गा मैया का भी मूर्ति है दोस्तों, जस्ट इनके सेकंड वाले जो पंडाल है ना उस साइड में। इधर देख पा रहे होंगे आप दुर्गा मैया का भी मूर्ति यहाँ पे बन चुका रहता है। बहुत सारे बाद में बनते हैं, बहुत सारे बन के रेडी हो चुके रहते हैं, जैसे ये आप देख पा रहे होंगे। तो बहुत सारे ऐसे दुर्गा माता का, शिव जी का बहुत सारे बड़े बड़े मूर्ति रहते हैं। देखिए पूरा 12 फीट 14 फीट 20 फीट ऐसे टाइप का ये मूर्तियां होने वाली है। इस साइड देख पा रहे होंगे ऐसे जो अंकल अभी बना रहे ना, ऐसे ही सब यहाँ पे बनाते रहते हैं। बहुत प्यारा लगता है यहाँ पे आके। और जैसे ही अपन इस साइड जाते हैं तो ये देख पा रहे होंगे आप, इतना जो मूर्तियां दिख रही है ना इस साइड, ये पूरा दुर्गा मैया का ही मूर्ति है। जैसे वहां सामने में देख लीजिए, अभी अभी दुर्गा पक्ष अभी आने वाला है। जैसे ही गणपति जी विराजमान होंगे उसके बाद में दुर्गा मैया का जितने भी ये मूर्ति है ना वो सभी काम में चालू हो जाएंगे। उन सभी का जो काम जो रुका है, जैसे इन लोगों का भी इस साइड रख दिए गए हैं साइड में, तो ये सभी काम चालू हो जाएंगे। जैसे वो आप देख पा रहे होंगे कितना प्यारा लग रहा है। सीढ़ी लगाया जाता है और जैसे ऊपर में बैठे ना अभी भैया, तो ये 20 फीट का पूरा मूर्ति है। ऊपर में बैठ के पूरा इसको कलरिंग करते हैं, ऐसे ही पूरा बांस वास लगाया जाता है ताकि ऊपर तक के पहुंच पाए। और देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से यहाँ का माहौल होने वाला है।